हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मैं स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में आपने देखा हम लोगों ने कवर किया पाइथन का बेसिक्स, एक क्रैश कोर्स, उसके बाद मैं कवर किया था नंपाई और फिर मैंने कवर किया था पैंडा। तो अभी हम लोग तीन बेसिक कोर्स कवर कर चुके हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि आप जो डेटा है उसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, मतलब ये है कि उसको आप प्लॉट कैसे कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास कोई एरे है, कोई लिस्ट है, ठीक है, या कोई भी डेटा है, आप उसको प्लॉट करके देखना चाहते हो कि ये डेटा आखिर में देखने में कैसा लगता है। तो उसके लिए एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है matplotlib, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं matplotlib के नाम पर, फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि आप उसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इस फाइल को सबसे पहले रीनेम करना होगा मुझे matplotlib, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी का नाम है, ठीक है। अगर आप मेरे इस वीडियो को, प्रीवियस वीडियोज को फॉलो कर रहे हैं और वीडियो नंबर एक से इस सीरीज में देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि किसी भी पैकेज को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। वैसे तो एनाकोंडा अगर आपने इंस्टॉल किया है तो matplotlib पहले से ही उसमें इंस्टॉल हो करके आया होगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो आप जो है कि matplotlib को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे कोंडा, फिर आपको लिखना है इंस्टॉल एंड देन matplotlib और lib, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि matplotlib ये इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा। उसके बाद पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप मैटलैब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानते हों तो आपको ये पता लग जाएगा कि नंपाई जो हम लोग यूज किए थे वो भी मैटलैब जैसा ही था और ये matplotlib जो है ये भी मैटलैब जैसा ही है। जो matplotlib के इन्वेंटर हैं वो जब matplotlib का पैकेज लिखना स्टार्ट किए तो वो चाहते थे कि matplotlib जो है ये मैटलैब की ही तरह जो है कि ग्राफ्स प्लॉट करें। सो matplotlib जो होता है 1D, 2D, इनफैक्ट 1D तो ग्राफ नहीं होते, 2D, 3D ग्राफ्स ये आराम से आपको प्लॉट कर सकता है। ये लाइन प्लॉट दे सकता है आपको, ठीक है, कंटूर प्लॉट दे सकता है, 3D प्लॉट दे सकता है, ये हर प्रकार का प्लॉट आपको दे सकता है। उसके बाद आप एक बार जब प्लॉट आपको मिल जाएगा तो फिर आप उस प्लॉट को सेव भी कर सकते हो, चाहे जिस फॉर्मेट में आप चाहें, चाहे तो आप PNG में करिए, JPEG में करिए, PDF फॉर्मेट में करिए, लेटेक्स फॉर्मेट में करिए, आप जैसा चाहें वैसा स्टोर कर सकते हैं उसको। तो जैसा आप देख रहे हैं matplotlib पहले से इंस्टॉल है, इसलिए एनाकोंडा ने कहा कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं अब इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहता। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैंडाज या नंपाई को यूज करने के लिए उनको इम्पोर्ट करना पड़ता था, ऐसे हम लोग जो है matplotlib को भी इम्पोर्ट करेंगे। तो इसका बहुत सिंपल सा एक कमांड है, इस पर आपको लिखना है इम्पोर्ट, फिर लिखना है matplotlib .pyplot, ठीक है। उसके बाद एज अ PLT लिखना है आपको यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे आप शिफ्ट एंटर दबाना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आप ऑफकोर्स आप तो शायद जुपिटर नोटबुक ही यूज कर रहे हो, ठीक है, तो जुपिटर नोटबुक अगर आप यूज कर रहे हैं और अगर आपको फिगर प्लॉट करने के बाद नहीं दिख रहा है तो आपको ये लाइन यहाँ पे लिखनी होगी matplotlib उसके बाद इन लाइन, ठीक है। अगर आप ये लाइन नहीं लिखते हो matplotlib इन लाइन तो आपका जो फिगर है matplot का वो जुपिटर नोटबुक में नहीं दिखेगा। तो ये लाइन बहुत ज़रूरी है और इसके बाद आपको PLT, क्योंकि अभी हम लोग जो है matplotlib का जो पाई प्लॉट है उसको हम लोग एज ए PLT जो है इम्पोर्ट कर लिए हैं। अब जब भी हमें matplotlib को रिफ़र करना होगा हम लोग हर बार PLT उसको बोल करके रिफ़र करेंगे, जैसे हम लोग numpy में NP किए थे और पेंडाज में PD किए थे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक matplot कमांड दिखाऊंगा। उसके पहले हमें एक डेटा जनरेट करना होगा, तो मैं जो डेटा जनरेट करने जा रहा हूँ उसके लिए numpy array यूज करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए भी हमें जो है numpy array को इम्पोर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए इम्पोर्ट numpy एज np, ठीक है। उसके बाद आप लिखिए यहाँ पे x=np.lin स्पेस, ओके, और फिर अभी यहाँ पे 0, 5, 11, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ आपको कि जो
वैल्यू जो है लिनियरली स्पेस में ये आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा इन बिटवीन 0 to 5, और इसका जो है ये 11 वैल्यूज टोटल होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है कि एक आउटपुट लेने जा रहे हैं जिसका नाम हम लोग लिखेंगे आउटपुट इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई टू, आई मीन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अभी आप देखिए, अगर मैं एक्स को डिस्प्ले करूँ तो आप देखेंगे टोटल यहाँ पे 11 वैल्यूज हैं, और उसी तरह से अगर मैं आउटपुट को प्रिंट करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल 11 वैल्यूज हैं, लेकिन जो भी रिस्पेक्टेड वैल्यूज हैं वो स्क्वायर है करस्पॉन्डिंग इनपुट वैल्यूज का। मानिए कि ये अब हमको प्लॉट करना है एक ग्राफ में, ठीक है। ये पॉलिनोमियल जो सेकेंड ऑर्डर का है या एक्स स्क्वायर है, इसको प्लॉट करना है, इसको कैसे करेंगे? ये बहुत सिंपल है, आपको लिखना है plt.plot, ये अभी आपका प्लॉट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा कि टाइम एक्सिस जो एक्स एक्सिस है वो, उसके बाद वाई एक्सिस हमने लिया है आउटपुट, उसके बाद हम लोगों को अभी इसको रेड करना है, ठीक है, मान लीजिए, या ब्लू मान लीजिए, ठीक है, ब्लू कलर का देना है। तो ये जो है आपने थर्ड करेक्टर देखा, ये थर्ड पैरामीटर्स देखा, ये डिफाइन करता है कि कौन से कलर का आपको जो है ग्राफ चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइए इसको हम तुरंत प्लॉट करके दिखाते हैं आपको। देखिए बहुत सिंपल है, ये प्लॉट हो गया। मानिए कि अभी आपको इस पे टाइटल देना है, एक्स एक्सिस देना है, वाई एक्सिस देना है, तो वो आप कैसे दोगे, ठीक है। उसको करने के लिए ये बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, आप लिखो यहाँ पे plt.xlabel, ठीक है। इसको करने के बाद अभी आपका एक्स एक्सिस आ जाएगा, मानिए एक्स एक्सिस जो है आपका एक्स वैल्यू है, ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। और अभी आप फिर से बोलिए plt.ylabel, और यहाँ पे अभी आपको बोलना है स्क्वायर्ड वैल्यूज, ठीक है। और अभी टाइटल जो मैं देने जा रहा हूँ, यहाँ आप लिखिए plt.title, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आप लिख दीजिए स्क्वायर फंक्शन, मानिए, ठीक है। अब इसको आप एंटर कर दीजिए, अभी आप ये देखिए आपका आ गया एक्स वैल्यू, आ गया वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वैल्यूज, और ये आपका टाइटल आ गया स्क्वायर फंक्शन। आप राइट क्लिक करके भी इस इमेज को कॉपी और सेव कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बाद में एक ऑटोमेटिक कोड दूंगा जिससे ये ऑटोमेटिक ही वर्किंग डायरेक्टरी में या कहीं पे भी आप जहाँ चाहो ये इमेज सेव हो जाएगा हाई रेजोल्यूशन में, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको जैसे मल्टीपल प्लॉट्स चाहिए तो वो आप कैसे प्लॉट कर सकते हो मैटप्लॉट लाइब्रेरी पाइथन में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी मैं बहुत सारा वीडियो बना रहा हूँ मशीन लर्निंग और पाइथन पे। यह एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको मशीन लर्निंग और पाइथन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, और वो सारे हिंदी में, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।